और उसको फिक्स करने के लिए चाबी भी इसके अंदर ही दी है। ये हो गई अपनी टेबल रेडी, पीछे अपना पहले से थी एडजस्ट आराम से इसके अंदर। और कितना हीट हो रहा है भाई, एसी भी चला रखा फुल पे, लेकिन इतनी तेज गर्मी आ रही है ना। और भाई साहब क्या हाल है? फाइनली आज 2 साल बाद मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। बाय बाय, पहुंच के गए रहा आधा किलोमीटर मेरा। चल बाय बाय जा। कल तो हम असेंबल नहीं कर पाए थे, आज इस टेबल को असेंबल कर लेते हैं। ये छोटा सा एक मैनुअल दिया इसके साथ, काफ़ी छोटा सा, बहुत ही आसान है इसको असेंबल करने के लिए। टेबल से आज असेंबल, टेबल इसको आज असेंबल कर लेते हैं। ये है सामने टेबल, ये इसका मैनुअल हो गया, और ये ऑलरेडी हमारे पास टेबल थी, भैया ने ली थी। ये इसकी व्हील्स हो गए, और ये इसके ऊपर का जो टेबल है इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, ये 4, ये इन चारों में बोल्ट जाके हो जाएगा और ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ये भैया के पास ऑलरेडी, भैया ने असेंबल कर रखी, भैया की देख के मैंने मंगाई थी काम करने के लिए ऑफिस का। तो ये सही है यार, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है फिलहाल तो, भाई यूज़ कर रहा है, मेरे को तो ठीक ठाक लगी है, बाकी देखते हैं कैसे निकलती है। फिलहाल तो भाई की सही चल रही है, तो करते हैं इसको असेंबल। और उसको फिक्स करने के लिए चाबी भी इसके अंदर ही दी है, खोलने के लिए चाबी बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये भी हमें ऐसा नहीं कि बाहर से लगाना पड़ेगा, सब कुछ इसके अंदर ही है। ये हो गई अपनी टेबल रेडी, पीछे अपना पहले से थी एडजस्ट आराम से इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर मैं इसको फुल भी कर दूं यहाँ पे ऐसे, तो अब ये अपना सेटअप ऐसे हो गया, ऑफिस का काम करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी, सही नहीं रहेगा, मस्त है ना इसको। इसके लिए बाकी अगर ये इसको पीछे करके चेयर के एडजस्ट कर लिए तो ये ऐसे हो गया। अब एकदम ऐसे ऑफिस में बैठे ना, इसको पीछे से लॉक कर लो, ये ऐसे ऐसे काम करेंगे, वैसे लेट के ऑफिस में कर देते ना। बटी ठीक है, प्रैक्टिकल है काफी, और 10 kg तक, अप टू 10 kg तक वेट संभाल सकती है, ऐसा इसके मैनुअल में लिखा है। लैपटॉप में हार्डली 2 किलो वजन होता है, मैक्सिमम 2-2.5 किलो, और काफी स्पेस है, एक लैपटॉप बहुत आराम से बड़ा वाला भी आ जाएगा, वहीं आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। बाकी यूज करते हैं, देखते हैं कितना ड्यूरेबल है। और आगे हम लोग निकल रहे हैं बाहर के लिए, आज फिर से संडे का दिन है, कल हम लोग गए थे सैटरडे को बाहर, वहां के लिए मैं रेडी होना, ये तो तैयार होकर बैठ गई है। आज जा रहे हैं हम लोग सेम जगह पे, लेकिन उसके अपोजिट में एक जगह है गार्डन गैलेरिया करके, वहां जा रहे। कौन सी टी शर्ट पहनू आज? ये वाला इतनी भी क्या जल्दी है यार, ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, स्मार्ट, दोनों पिंक पिंक। आज करेंगे ट्विनिंग, चल, गलती से ट्विनिंग हो गई है, इसने ही पहना पिंक, मैंने ही पहना पिंक, चलें अब। तो फाइनली हम फिर से निकल गए घर से बाहर के लिए, हम जा रहे हैं गार्डन गैलेरिया जो कि नोएडा में सेम जगह पे, जो कि हम गए थे GIP के पास, तो वहां जाने वाले हैं। और दूसरी चीज ये कि पेट्रोल के प्राइस जो है वो घट गए हैं, कम हो गए हैं। अच्छा, तो 9.5 रुपए दिल्ली NCR में, 9.5 रुपए पेट्रोल पे, और कितने रुपए डीजल पे? 7 रुपए, 7 रुपए डीजल पे कम हो गए हैं, कम हो गए, स्ट्रेंज। कल और कल ही अपने गाड़ी में पेट्रोल लगाया था, कितने? 1100 रुपए का, 90 रुपए नुकसान हो गया यार, बहुत तकलीफ होती है। आज लगवाते हैं, आज टैंक फुल करा देंगे, आज पता चला फिर दोबारा बढ़ जाए। कितना हीट हो रहा है भाई, एसी भी चला रखा है फुल पे, लेकिन इतनी तेज गर्मी आ रही है ना। टेम्परेचर कितना है अभी? 40 के पार होगा, 40 प्लस है ना यहाँ भाई, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना, पूरा डैशबोर्ड ऐसा उबल रहा है, एसी चल रहा है लेकिन यहीं तक ठंडा है, आगे हाथ डालो ना, स्टीयरिंग पे हाथ रखने से भी हाथ जल रहे हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? कल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कल क्या हुआ ना मेरे साथ, जैसे हम लोग कल हमने वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाया, खाने वाने के बाद जैसे होता है ना टिप टिप दे देते हैं, तो ऐसे ढाबे वाबे पे टिप दोगे ना, तो वो उसकी पॉकेट में आता जो वेटर है जिसने आपको सर्व किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने सर्विस टैक्स आया था 250 रुपये, वो हमने कैंसिल करवाया, हमने कहा सर्विस टैक्स है उसको रेस्टोरेंट को जाएगा, जब कैंसिल कराते हैं हमने फिर सोचा कि हम उसको दे देते हैं, क्या बोलते हैं, अलग से वेटर को दे देते हैं, जिसने हमें ला के दिया वेटर को अलग से दे देते हैं, हमने वेटर को, हाँ हमें लगा रेस्टोरेंट की पॉकेट में जाता है जो सर्विस टैक्स जो होता है, हमने वो कटवाया। फाइनली हम 4-5 लोग थे, हम 4 लोग थे, हमने खाया अच्छे से, मैंने कहा चलो दे दे टिप, हमने टिप के लिए पैसे निकाले, हमने जब लास्ट में वेटर आया ना बिल के साथ, तो हमने उसके हाथ में दे दिए, तो मैंने लगा इसकी जेब में जाएगा, उस बंदी ने जाके काउंटर पे दे दिए। भारी मिस्टेक हो गया सर, ईमानदार आदमी था, ईमानदार आदमी की बात नहीं है, उनके साथ होता है ऐसा कहीं कहीं पे कि आपकी जेब में अगर किसी ने टिप दिया तो आपको देना ही पड़ेगा, ये होता है ढाबे पे, ये सब नहीं होता, ये मैंने पहली बार देखा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है दया भाव से अगर आप दे रहे हो किसी को तो कोई फायदा नहीं होता, गया सीधा सीधा काउंटर पे दे दिया, मन तो पूछ लो, मैं कहा भाई यही कर रहा था तो मैंने सर्विस टैक्स क्यों हटवाया तेरे से। और गर्मी देखो यार, चिल चिलाती गर्मी और धूप। कल हम लोग वहां गए थे, हाँ
कल राइट में यहाँ पे आए थे हम लोग DLF, और आज जाएंगे हम सामने लेफ्ट साइड में गार्डन गैलेरिया। रात में ज्यादा अच्छा दिखता है वैसे। अभी देखना अभी कितना रूखा रूखा सूखा सूखा सा नहीं लग रहा। पार्किंग कल तो इसे मिली नहीं थी, दूर जाके की थी, इसके अंदर तो मिल जाएगी। बहुत बतरी बड़ी पार्किंग है इसके अंदर। कितने की? कितने की पार्किंग इसकी? कितने की पार्किंग? वर्ल्ड्स ऑफ वंडर है ना। हां, वाटर पार्क, वाटर पार्क प्लस अम्यूजमेंट दोनों है ना भाई। पार्किंग है ₹70 चार घंटे की, उसके बाद ₹90। गजब काट रखा है उन्होंने पार्किंग में। हमें राइट साइड में जाना है ना, इधर गार्डन गैलेरिया। पार्किंग कम होगी इसकी। ग्रो अप इन अ प्लेस वेयर दे टोल्ड यू व्हाट टू चेस, टोल्ड यू हाउ टू रन द रेस। एवरी मूव। ये देखो फ्लाई डाइनिंग। ठीक है, फ्लाई डाइनिंग। हां, फ्लाई डाइनिंग। इसके ऊपर जाकर खाना खिलाएंगे। हां, हमने वर्ल्ड्स ऑफ वंडर की एंट्री सामने से गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की है। बहुत ही मुश्किल से पार्किंग मिली है यार। तब से हम 15 मिनट से पार्किंग ही ढूंढ रहे थे। चले आगे, सामने गार्डन गैलेरिया, यहाँ से सामने से एंट्री है। ये कब खुला है यहाँ पे? एरो रेस्ट्रो एंटरटेनमेंट। सही है यार, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल। गर्मी इतनी हो रही है, हैंकी भूल के लाना। ना ये लेके आए ना मैं लेके आया। और भाई साहब क्या हाल है? पीयूष हेलो। मैं काट दूंगा इसको, काट लोगों को डिवेट कर दो। मैं तो कर जाऊंगा, हम भी ले चलो घर भाई। काटना मेरे हाथ में टेंशन। बहुत टाइम बाद मिले थे सबके सब। लास्ट टाइम आई थिंक बहुत टाइम हो गया, कितना 2018 के बाद 2022 में 4 साल बाद मिले। 4 साल बाद। बाय बाय भाई, डाल दू KGF वाली जैसे आता ना। फाइनली गाड़ी में आ गए हम लोग। 8 बज रहे हैं अभी, आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। 8:45 उन घर पहुँच जाएंगे हम लोग, होपफुली। देखते हैं बाकी। फाइनली रीच होम, 9:05 हो रहे हैं। ओहो ओहो, तो आज आप सोच रहे होंगे रेडी रेडी हो गए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नहीं, फाइनली आज 2 साल बाद मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। 2 साल बाद, वो भी जा रहा हूँ इसकी वजह से। ये इसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से, जो घूम रही है सुबह से उठ के। और तैयार हम लोग हो गए हैं, 9:30 बज रहे हैं अभी। हमको जाना है गुड़गांव, यहाँ से 58 किलोमीटर्स है और 11:30 तक उसको पहुँचना है। मेरी शिफ्ट शुरू होगी 2 बजे से, बट मैं इसके चक्कर में सुबह जल्दी जा रहा हूँ फिर से। चले फिर, हो गए रेडी। ठीक है, टिफिन फिर लेके हाथ में ऐसे चलेगी भाई। खाना भी गाड़ी में खाना पड़ रहा है। देख, फाइनली घर से हम लोग निकल गए हैं और अभी हो रहा है 9:45। 11:30 तक इसको पहुंचना था वैसे सुबह, जब मैं टाइम मैप देखा था कितना दिखा रहा था, 1 hour 49, 1 घंटा 49 मिनट दिखा रहा था, 49 मिनट्स 55 किलोमीटर के लिए, जो कि अभी कम हो गया है। ट्रैफिक शायद कम हो गया होगा, कह नहीं सकते। ब्रेकफास्ट बनाया लेकिन सुबह सुबह खाया नहीं, ना मैंने खाया, तो मैं ऐसे ही उठ के थोड़ा सा पानी पी के आ रहा हूँ। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। तो हम गाड़ी में खाना खाएंगे। अच्छा, ट्रैफिक का हाल, इतना सारा मत खिला, थोड़ा थोड़ा खिला। लेजेंड्स 9 बजे उठ के 9:30 तक डॉट तैयार हो गए घर से बाहर, नहा धो के। बनना क्या था आपको, बस नहा धो के रेडी हो, निकलना ही था। काम थोड़ी ना हमने कुछ किया है। पहला दिन है, अरे लग गया सामने जाम। ये नोएडा के लिए लोग आगे से लेफ्ट मुड़ रहे हैं, और राइट वाली जो लेन है हम लोग उसमें ले नहीं सकते क्योंकि वहाँ से कट नहीं होता है, तो ये खुलेगा गाजीपुर पे। अब आईटी में जॉब करते हैं, आपको सुबह जाम ना मिले, नॉट पॉसिबल भाई। खाना वाना ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, हमने खाया ब्रेड उपमा। 1 घंटा मुझसे बात नहीं करेगी, मतलब कॉल पे जा रही है। ओके, कुछ तो खाली मिलना चाहिए था। राइट वाली रोड पे अगर मिल जाता ना, राइट साइड वाली रोड पे पूरी रोड खाली पड़ी है। अभी कट जो सामने लग रहा है ना, सामने एक ब्लू बोर्ड लगा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। मुझे ही नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा। What? फाइनली ये कट आ गया, लेफ्ट साइड में नोएडा के लिए रास्ता और हमें जाना है सीधा गुड़गांव के लिए। और ये जाम सिर्फ इस वजह से लग रहा था क्योंकि जिनको लेफ्ट में जाना है वो गलती से राइट साइड में आ जाते हैं, और हम जैसे लोग जिनको सीधा जाना होता है वो लेट हो जाते हैं। राइट साइड में इंदिरापुरम, लेफ्ट साइड में नोएडा, सीधा है गुड़गांव दिल्ली। हाँ, ये कर लो पहले। बाय बाय।
पहुंच के गए रहा आधा किलोमीटर मेरा। चल बाय बाय जा। प्रियंका को ड्रॉप कर दिया उसके ऑफिस और मैं भी ऑफिस पहुंच गया हूं। निकालते हैं अपना आईडी कार्ड और करते हैं एंट्री। पार्किंग मिलना मुश्किल है, 11:30 हो गया। देखते हैं मिल गई तो बाय लक। निकलते हैं ऑफिस से शाम को। 4:30 बज रहे हैं और मैं निकल गया ऑफिस से। इतनी सी देर के लिए आना था बस। प्रियंका फ्री हो गई अभी, उसको वहाँ से उसके ऑफिस से पिक करता हूँ। मेरे ऑफिस से 1.5 किलोमीटर है, वहाँ से उसको पिक करता हूँ, फिर चलते हैं घर। ऑफिस के बाहर के मास्क नहीं मिल रहा, ऑफिस के अंदर एकदम फ्लोर के अंदर मैंडेटरी कर रखा है मास्क। काफ़ी टाइम बाद गया, मैं सीट भूल गया था अपनी कहाँ पे थी। क्या बोला तूने? बट सही लगा, अच्छा था 4-5 घंटे के लिए। फाइनली ये भी आ गई, निकलते हैं घर। 4:40 अराउंड हो रहा है, 1:25 दिखा रहा है। कैसा रहा दिन? एक घंटा 25 मिनट दिखा रहा है ना 1:26 ये दिक्कत। अगर हम लोग आधा घंटा और लेट करेंगे ना तो कम से कम आधा घंटा है 40 मिनट और बढ़ जाएगा घर पहुंचने का। इतना ज्यादा जाम लग जाता है दिल्ली टू गुड़गांव। दिल्ली टू गुड़गांव कह रहा हूँ, गुड़गांव टू गाजियाबाद 18 मिनट। कितना बजे? 18 मिनट। कितना किलोमीटर है? 7-8-6 किलोमीटर। ट्रैफिक नहीं मिला हम लोगों को, मतलब मिला ट्रैफिक और 2-3 क्लोजर रोड क्लोजर मिले जो कि मैप ने गलत दिखाया, जिसके चक्कर में हमारे 5 किलोमीटर बढ़ गए, 4-5 किलोमीटर। अगर हम लोग आधा घंटा और लेट करते ना, हार्डली आधा घंटा, तो हम लोग कम से कम 1 घंटा और लेट होते। इतना ज्यादा जबरदस्त जाम लगता है, खतरनाक जाम लगता है। हम पहुंच गए गाजियाबाद के अंदर। मैंने पिज्जा खा के आ रही, मैंने थाली खाई थी तो बैठा हुआ, फिर से लगी। मैंने जल्दी खाया था आज लंच। जस्ट रीच्ड होम, अभी अभी घर पहुंच गए भाई। ये कितने 4 बज रहे हैं यार, ये अभी तो इसमें सेल डाला है ना, 4:15 घड़ी बजा रही है और अभी बज रहे हैं। कितना टाइम है? 7 ना। हाँ भाई आ गया मैं। कहाँ पे है? हमारे घर वालों को पता ही नहीं होता, हम आ जाते हैं। कहाँ पे रात में आऊँगा? कहाँ पे था भाई? तेरे को ढूंढ रहा था इतनी देर से मैं। कहाँ पे था? तेरे को ढूंढ रहा